इटारसी में ओवरब्रिज के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। ब्रिज पर गड्ढे होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार विभाग मरम्मत कार्य पर ध्यान नहीं देने की वजह से ब्रिज बड़े गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। इसके साथ ही ब्रिज की रेलिंग भी जगह जगह से टूट गई है और उन रेलिंगों पर बांस और डंडे लगाए जा रहे हैं। रोजाना ब्रिज पर आवागमन करने वालों के साथ छोटी या बड़ी घटनाएं हो रही हैं। करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं और इस निर्माण के बाद यहाँ पर गड्ढे उत्पन्न हो गए हैं। गड्ढे होने की वजह से लोगों को कई बार चोट भी आ जाती है और परेशानियों का सामना तो लोगों को करना ही पड़ रहा है। इस समय खड़ा हुआ हूँ नेशनल हाईवे 69 के ओवरब्रिज पर। ये ओवरब्रिज जो है वो सीधे ही इटारसी शहर को जोड़ता है और इस ओवरब्रिज का निर्माण सन 2000 में हुआ था, जिसके बाद से आज तक जिम्मेदार प्रशासन द्वारा इस ओवरब्रिज का सही मरम्मत कार्य नहीं करवाया। मेरे सीधे हाथ तरफ आप देख सकते हैं कि जो ओवरब्रिज की जो रेलिंग है ये पूरी तरह से टूटी हुई है और क्षतिग्रस्त हो गई है, और विभाग द्वारा इस रेलिंग से लोगों को बचाने के लिए बांस की पिंचियां और डंडे लगा दिए हैं और रस्सियों के सहारे से उस रेलिंग को बांध दिया है। और अभी कुछ दिन पूर्व ही इस रेलिंग से एक मोटरसाइकिल सवार युवक नीचे गिर गया था, जिसके हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई थी। वहीं मेरे दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह ओवरब्रिज के बीचों बीच पानी भरा हुआ है और गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहा है। करीब इस ओवरब्रिज के ऊपर ऐसे 300 गड्ढे होंगे जो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं, जिनमें फंसने के बाद लोग कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार प्रशासन ने आज तक इस ओवरब्रिज के निर्माण कार्य और मरम्मत कार्य पर किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया है और ये ब्रिज लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस ओवरब्रिज पर इस कदर रोजाना घटनाएं हो रही हैं जिससे कई लोग घायल भी हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा कब तक इस ओवरब्रिज का सही मरम्मत कार्य करवाकर लोगों को एक बेहतर सुविधा दी जाएगी। न्यूज़ 24 के लिए इंद्रपाल सिंह, इटारसी।